बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो दिल्ली पहुंच चुकी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ दिल्ली आ चुके हैं। इस यात्रा में उनके साथ आज कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। बदरपुर बॉर्डर पर फ्लैग सेरेमनी के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा में हर जाति धर्म के लोग चल रहे हैं, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने देश में नफरत फैलाई है, चुने हुए लोग आज नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त दिल्ली में है और आज दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण का पड़ाव होगा और पहला चरण संपन्न होगा। लाल किले में तकरीबन 7 बजे के आसपास राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी। और इस बीच आज सुबह जब फरीदाबाद से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रवाना हुई तो वहां पर राहुल गांधी ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा का मकसद बताया। तो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने इशारों में ही हमला बोला है और कहा है, और ये देखिए चार तस्वीरें, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी जरूर इस तस्वीर को देखकर खुश होंगे क्योंकि दिल्ली में इस यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिलता हुआ नजर आया। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की है, और इस वक्त बड़ी खबर है भारत जोड़ो यात्रा आश्रम पहुंच चुकी है। आश्रम में तकरीबन 10 बजे के आसपास पहुंचना था लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण 1 घंटा जो शेड्यूल है वो आगे बढ़ा है। यहां पर तकरीबन 2 घंटे का ठहराव है, 2 घंटे का पड़ाव यहां पर होगा और 11 इस वक्त बज रहे हैं तो 1 बजे के करीब यहां से ये यात्रा फिर से शुरू होगी और उसके बाद ये यात्रा लाल किले तक पहुंचेगी। उसके पहले राहुल गांधी राजघाट जाएंगे, शांति शक्ति स्थल जाएंगे जहां पर वो इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और राजीव गांधी को पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद शाम को 7 बजे के आसपास, 7-8 बजे के करीब ये यात्रा उनका संपन्न होगा। पहला चरण होगा 3 तारीख से, फिर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। उसका दूसरा चरण शुरू होगा जो उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, फिर वो वापस हरियाणा में जाएगा, फिर हरियाणा से पंजाब और पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर में जाकर ये यात्रा संपन्न होगी। आज पहला चरण संपन्न होगा, उसके बाद 9 दिनों का ब्रेक इस यात्रा को दिया गया है। और दिल्ली में दाखिल होने के बाद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। ये यात्रा के अंदर हिंदुस्तान है, मोहब्बत है और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, ये तिरंगा दिखाओ, इसको जरा घुमा पड़ा खड़ा, इसको ये इसको हम जाके श्रीनगर में लहराएंगे। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसी देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया? डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में? जवाब में हमने किसानों की कर्जा माफी की डर मिटाया? जब जमीन अधिग्रहण बिल लाए
घर मिटाया, मिटाया नोटबंदी ने, घर मिटाया गलत जीएसटी ने, घर मिटाया कोविड के समय इन्होंने जो किया उससे घर मिटा, जब किसान को बीमा नहीं मिलता घर मिटता है ये, तो इनकी सारी की सारी पॉलिसी बेरोजगारी से घर मिटा, इनकी सारी की सारी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर कांग्रेस पार्टी के समर्थक और आम जन इस यात्रा का हिस्सा हो रहे हैं। राहुल गांधी सुबह 6 बजे एनएचपीसी फरीदाबाद से इस यात्रा को शुरू कर चुके थे और बदरपुर बॉर्डर में ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। करीबन 22 से 23 किलोमीटर की यह पूरी यात्रा है और करीबन 10 किलोमीटर के बाद आश्रम चौक पर पहला हॉल्टिंग स्टेशन है, जहां पर एक आश्रम के अंदर राहुल गांधी 2 घंटे तक रुकेंगे और वहां पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। लगातार जो संख्या है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थकों की बढ़ती जा रही है। यात्रा का अपना मकसद हासिल करते हुए दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है, जैसा कि राहुल जी ने कहा है कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से हैं, क्यों जुड़े हैं सुबह सुबह? राहुल गांधी के साथ रहेंगे। अच्छा, क्यों रहेंगे? क्यों, अच्छे नेता यही है। अच्छा, आगे वाले देश को चलाने वाले यही देश नेता है। अच्छा, आप कहाँ से हैं सर? दिल्ली से। आप भी सुबह सुबह आगे 6 बजे? जी जी। क्या वजह थी आने की? सबका साथ चल रहा है, कॉमन आदमी का साथ चल रहा है, प्रेम से साथ चल रहे, सबको प्यार से साथ लेके चल रहे हैं। हर आदमी नीचे तबके से लेके सबके ऊपर के तबके जितने आदमी हैं सबको जुड़ने का मौका मिल रहा है। अच्छा। और ये सद्भाव की, आपसी प्यार की, सबकी सब परिवार की एक यात्रा है। ये कॉमन में नहीं, कोरोना फैल रहा है, लगता है कि डर है थोड़ा बहुत। नहीं, कोरोना नहीं है, ऐसा नहीं। अगर कोरोना होता तो सब लोग बीमार होते। ये एक भारत यात्रा है जो कि राहुल गांधी के लिए है और राहुल गांधी एक तपस्वी आदमी है जिसके लिए लोग बाग चल रहे हैं और हम सब योगदान है हमारा। सबसे बड़ी बात सर, ये एक जो प्यार और मोहब्बत आप लोगों में देख रहे हो ये हर आदमी के अंदर आज उमड़ रही है। हर आदमी जा रहा है, कॉमनवेल्थ आदमी, कॉमन आदमी आ रहा है, छोटा आदमी आ रहा है, गरीब आदमी आ रहा है, सब आदमी एक होकर चल रहे हैं। तो सबका विकास होगा, सबका साथ होगा। तो सबका साथ, राहुल गांधी ने बीते रोज भी कहा था कि राजा की संज्ञा दी थी, उनके सिंहासन की संज्ञा दी थी। यात्रा दिल्ली आई है, जो अहम पड़ाव है इसका लाल किले पर संपन्न होगा और यात्रा 3 तारीख के दिन फिर से शुरू की जाएगी। लिहाजा जो 5-6 बजे के आसपास राहुल गांधी लाल किले पर पहुंचेंगे और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से बीजेपी को वो घेरेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का जो समापन है वो लाल किले के भाषण से ही होगा और उसके बाद राहुल गांधी राजघाट जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष सक्सेना के साथ तरुण कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो राहुल गांधी की यात्रा इस वक्त आश्रम पहुंच चुकी है। आश्रम चौक के पास इस यात्रा का भी पड़ाव है और 2 घंटे तक यहां पर थोड़ा सा लोग रुकेंगे, आराम करेंगे और उसके बाद फिर से इस यात्रा की शुरुआत आज होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की बात करते हैं, जिन्होंने आरोप लगा है कि कोरोना अलर्ट के बहाने बीजेपी ने उनकी यात्रा हरियाणा में ही रोकने की कोशिश की थी। जी मीडिया से जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी की राजस्थान में यात्रा चल रही है लेकिन जानबूझकर कोरोना के जरिए भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बनाया जा रहा है। अब यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है और यात्रा को रोकने के लिए तमाम सारे बहाने सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या यात्रा पे कोई असर पड़ रहा है? हम 6 बजे से चल रहे हैं और 108 दिन के बाद दिल्ली में प्रवेश हुए हैं। कई प्रयास किए गए हैं हमें रोकने का, बदनाम करने का और पिछले 2 दिन से कोविड को लेकर प्रयास किया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा को हरियाणा में ही रोका जाए, पर हम पीछे हटेंगे नहीं। आज दिल्ली में आए हैं, इसके बाद 9 दिन का विश्राम होगा और 3 तारीख सुबह। इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को पूरे देश भर में, जब आप तो लगभग 9 राज्य घूम चुके हैं, क्या रिस्पांस माना आपको मिला है? खास तौर से मैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र का जिक्र करना चाहता हूँ, जहाँ बीजेपी सरकारें हैं और उन्होंने भी खूब प्रयास की।
हमारे यात्रा को रोकने के लिए, और उसके बावजूद भारी मात्रा में जनता आई है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक महिलाएं, युवा, दलित, आदिवासी, किसान, समाज का हर वर्ग आया है और प्रहलाद जोशी को चैलेंज किया है। प्रहलाद जोशी ने कहा था कि राहुल गांधी विदेश जाने वाले हैं, आपने चैलेंज किया है। मैं उसको चैलेंज देता हूं, मैं खुले चुनौती देता हूं, अगर वो गलत साबित हो माफी मांगे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। अगर मैं गलत साबित होऊंगा तो मैं माफी मांगूंगा पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। ये बकवास की बातें करते रहते हैं मंत्री, और खास तौर से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बिल्कुल बेफजूल बेबुनियादी बातें करते हैं। आप लोगों में पूरा उत्साह है कि भारत जोड़ो यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना के नियमों का पालन आप लोग आगे करेंगे अगर गाइडलाइंस आता है। अगर प्रोटोकॉल निकलेगा, अगर मेडिकल एविडेंस के आधार पर, एक विशेषज्ञों के सलाह के आधार पर कोई प्रोटोकॉल निकाला जाएगा और सभी को लागू होगा, सभी राज्यों में लागू होगा, सभी पब्लिक सभाओं पर लागू होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट है उस पर रोक लगाई जाएगी, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा, तो हम उस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। हम देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यही वो सरकार है जो कुंभ मेला, जो सबसे बड़ा सुपर स्प्रेडर इवेंट था, उस पर कोई रोक नहीं लगाया। ठीक है, वो सांस्कृतिक कारण होंगे। नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में, वो भी एक सुपर स्प्रेडर था, उस पर कोई रोक नहीं था। और मार्च 2020 में जब खुद कुछ सांसद डेरिक ओब्रायन और मैं, कुछ लोग मास्क पहनकर अंदर गए, हमारे चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा संसद के अंदर मास्क पहनना मना है, इसको मास्क निकालिए या तो बाहर जाइए। क्यों? क्योंकि मोदी की सरकार व्यस्त थी भोपाल में, हमारे कमलनाथ की सरकार गिराने में, और एक हफ्ते का देरी हुआ लॉकडाउन लागू करने में। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार पहले कोरोना पर गाइडलाइंस जारी करे तो उसका पालन होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गाइडलाइंस का पालन सरकार के लोगों को भी करना पड़ेगा। पवन खेड़ा जी, यात्रा कैसी चल रही है? दिख रहा है आपको, सुबह 5 बजे से जो जन समर्थन दिल्ली की लोगों ने दिया, भावविवल कर दिया। क्या जिस तरह से सरकार कह रही है कि आप लोग कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करेंगे, क्या कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है? पहले सरकार को जगाइए, कहिए कि कोरोना की गाइडलाइंस जारी तो कर लें, जारी किए बगैर क्या पालन होगा? किस तरह से आपको लगता नहीं है कि बहुत भीड़ है उनका? ना जैसे पहले बनाया था बनाए, और वो नियम मोदी जी जब शादियों पर जाते हैं उन पर भी लागू होना चाहिए, वो नियम कांकरिया कार्निवल पे भी लागू होना चाहिए, सतीश पुनिया भाजपा में जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं उन पर भी लागू होना चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए। अच्छा, आज शाम में क्या कार्यक्रम रहने वाला है लाल किला के बाद? आपको आनंद आने वाला है। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड को लेकर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया, उन्होंने जो चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी थी उसको लेकर कांग्रेस नेता अब केंद्र सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर हैं। कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि भारत सरकार अगर गाइडलाइंस जारी करेगी तो उस गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, और वो गाइडलाइन सभी के लिए होगा, न सिर्फ पर्टिकुलर भारत जोड़ो यात्रा और उसके साथ जुड़े लोगों के लिए होगा। और दिल्ली में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज सुबह 6 बजे हुई है, जो फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर होते हुए भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में दाखिल हुई। और सुबह 6 बजे से ही हम लगातार ये देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। जिन जिन रास्तों से होते हुए ये यात्रा आगे बढ़ी है, जैसे ही ये यात्रा आगे बढ़ी है लोगों का हुजूम इस यात्रा के साथ जुड़ता रहा। ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी और यूपीए के चेयरपर्सन, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस यात्रा में जुड़े हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी इस यात्रा में शामिल हुए, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी की बेटी वो भी इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ पैदल चलते हुए नजर आए हैं।
और ये इस 3.5 महीने के अंतराल में दूसरी बार है जब प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं। और ये पहली बार दिल्ली में हुआ है जब माँ के साथ दोनों बेटा और बेटी यानी कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एक मंच पर भारत जोड़ो यात्रा में एक फ्रेम में नजर आए हैं। और इस यात्रा के दौरान देखो, मैं सबसे पहले इस देश के प्यारे सज्जनों, सरनारियों और युवाओं का दिल से धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक कन्याकुमारी से यात्रा निकली। बहुत लोग उल्टा सुल्टा बोल रहे थे, कहाँ चल पाएंगे, भाग जाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि कोई नेशनल लीडर 155 दिन 3500 किलोमीटर चल रहा है और उसके साथ देश के बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज हम दिल्ली में प्रवेश किए। दिल्ली कहा जाता है दिलवालों की दिल्ली है और यहाँ दिल से लोगों ने प्यार के साथ, एक समर्थन के साथ राहुल गांधी जी की इस यात्रा का स्वागत किया है। मैं दिल्ली वालों का धन्यवाद करता हूँ। लगातार 3 दिन से हम हरियाणा में थे। सुबह 6 बजे कड़ी ठंड, फॉग, सारी सिचुएशन थी, फिर भी लोग हरियाणा के भी वहाँ पे राजस्थान बॉर्डर पे डटे हुए थे। पूरा मैदान भर दिया गया था। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जो दल के हित से ऊपर देश के हित को मानते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में अगर जाति, भाषा, प्रांत, मजहब के नाम पे जहर घोला गया तो देश को नुकसान होगा। सिर्फ चुनावी राजनीति और शासन लेना मेरा आखिरी गोल नहीं है, राष्ट्र का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। और उन्होंने इसके चलते ये यात्रा का प्लान किया कि जिस यात्रा में कोई भेदभाव नहीं, सब प्यार से जुड़ रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। विपक्षी पार्टियों के सांसदों को, अपने लीडर्स को भी चिट्ठी लिखी, सांसदों को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी ने आने के लिए, क्या मतलब समझा जाए कि सब पक्ष को एकजुट करने की कोशिश है इस मुद्दे पर? देखिए, वक्त की मांग है। एक अहंकार से भरा शासन चल रहा है, लोगों के पास रोजगार है नहीं, रुपया लुढ़क गया है, अर्थतंत्र बर्बाद हुआ है। किसान हो, युवा हो, जवान हो, छोटा व्यापारी हो, हर कोई परेशान है। तो लाइक माइंडेड पार्टीज को जरूर साथ होके देश के लिए, संविधान बचाने के लिए लड़ना चाहिए। और इसमें, इस यात्रा में तो हम किसी को मना नहीं करते हैं। हालांकि मोदी जी और अमित शाह जी में वो ताकत तो नहीं कि एक दिन के 30-35 किलोमीटर वो चल पाए राहुल जी के साथ, पर 2 किलोमीटर भी चल के आके देखे, लोगों को गले मिला के देखे, अपनी टाइट कॉर्डन के बीच में अपने मन की सुनाने की बजाय लोगों के मन की, जैसे राहुल जी सुन रहे हैं, हम उनको भी सुविधा कर देंगे, आए यात्रा में चले और देखें क्या है। सर, आदित्य ठाकरे आए यात्रा के अंदर, मोदी भी आई, स्टालिन ने तो खुद ही इस यात्रा की शुरुआत करी और आगे भी आप लोग लाइक माइंडेड पार्टीज को बुला रहे हैं, क्या 2024 की एक झलक जो है यहाँ से मिल रही है? देखिए, हम ये राहुल जी की यात्रा सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है। मैंने आपको कहा कि दल के हित से ऊपर देश का हित, एकता का संदेश, ये इसकी थीम है। और इसी को लेके जब राहुल गांधी जी चल रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ, वो उनका संदेश है। और आप भी खोलिए, नफरत मिटाइए, आप भी प्यार की दुकान खोलिए। और लोग खोल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। लोग कहते थे कि अरे गुटबाजी है, कांग्रेस जुड़ती नहीं, भारत क्या जुड़ेगा। आपने देखा होगा कल एक पिक्चर बहुत वायरल हुआ कि हुड्डा जी का हाथ पकड़ के रणदीप सुरजेवाला जी चल रहे हैं कि कहीं बुजुर्ग आदमी है, उनका ख्याल रखना है। तो वो प्यार है कांग्रेस में, लोगों में प्यार है। आपने देखा होगा कि हिंदू और मुसलमान, कल एक बहन जो मुस्लिम बहन थी, बुरखे वाली थी और हाथ में शिव जी की मूर्ति, उसको लगा कि राहुल जी को शिव जी की आराधना पसंद है, तो शिव जी की मूर्ति वो देने आई, वो ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है। वही कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा से डरी हुई है।
कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी जी हैं, आज दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी ने सुबह ही कहीं ना कहीं राहुल कांग्रेस पार्टी की तरफ से अटैक किया है बीजेपी और आरएसएस पर। हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी बात करने के लिए, लगातार बीजेपी और आरएसएस पर राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये अटैक से कहीं ना कहीं जनता आपके साथ जुड़ेगी? देखिए, राहुल गांधी निकले किस लिए? नफरत, घृणा, हिंसा, द्वेष की राजनीति के खिलाफ वो इसलिए निकले हैं कि ये ख़त्म हो समाज में। और जब सत्ता में बैठी भाजपा, या मैं कहूँ कि सत्ता तक पहुँचने के लिए घृणा, द्वेष, सांप्रदायिकता का इस्तेमाल अगर भाजपा कर रही है तो बोलेंगे किसके खिलाफ? अगर उन्हें घृणा, द्वेष, हिंसा के खिलाफ बोलना है, गोडसे के मानने वालों के खिलाफ बोलना है, तो गांधीवादी तो फिर नाम लेगा ना भाजपा का। लेकिन तिवारी जी, बीजेपी और पूरी सरकार कहीं ना कहीं ये कह रही है कि कोरोना के इस दौर में इस यात्रा को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए था। राहुल गांधी को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, गाइडलाइंस का जो होता है उसको ध्यान रखना चाहिए। आपको लगता है उसका पालन कर पा रहे हैं आप लोग? मिस फायर हो गया वो, स्वास्थ्य मंत्री जी से बुलवा के उनकी छीछा लिदा करा दी। सवाल पूछ तो रहा हूँ मैं, अगरतला जब गए थे, अभी त्रिपुरा गए थे, कितने लोगों ने मास्क पहना था? रैली थी, चीन से सीमा सटी हुई है, पासी है। गुजरात पूरा चुनाव प्रचार किया, तीन जो मिले हैं वही तो मिले हैं। मोदी जी ने कहाँ पहना, उनको सुनने वालों ने कहाँ पहना, वो जो सड़क पे अनाधिकृत जुलूस निकाल रहे थे उसमें कितनों ने पहना था, और राहुल गांधी की यात्रा तो गई भी नहीं गुजरात, तो वो मिसफायर हो गया। देखिए, देश हित में जो भी जरूरी होगा।